मेरे को बजिंग टेक्निक अगर आप एक बार फिर से लाइव एक्सप्लेन कर पाए तो। बजिंग टेक्निक, ओके। बजिंग टेक्निक वैसे ही हमारा सेकंड वीक का टास्क है। बजिंग टेक्निक से हमारा जो लिप्स है वो एक्टिवेट होता है, जैसे कि हमारे लिप्स है। तो बहुत बार ये होता है कि हमारा ब्लॉकेज के कारण, एंग्जाइटी के कारण हमारे जो लिप्स है वो स्टक हो जाते हैं, ये ओपन नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम इस लिप्स को एक्टिवेट करते हैं तो लिप्स क्या होते हैं, इमिजिएटली ओपन होना शुरू हो जाते हैं, तो वर्ड अच्छे से चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए बजिंग टेक्निक का मतलब होगा आपका ये पोर्शन एक्टिवेट करना। इसको एक्टिवेट करते समय आपको लिप्स को वाइब्रेट करना है। लिप्स को वाइब्रेट कैसे करना है, तो लिप्स को वाइब्रेट करने का मतलब है आप उसको ऐसे, मतलब आपका लिप्स थोड़ा सा सामने की तरफ जाएगा, सामने की तरफ थोड़ा सा जाता है, और उसके बाद आपका जो जैसे घोड़ा करता है उस तरह आपको बजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। बजिंग टेक्निक से का आपका ये जो लिप्स है काफी एक्टिवेट होता है। आपको मैक्सिमम इसको एक मिनट करना है मैक्सिमम, क्योंकि क्या होता है अगर आप उसको ज्यादा करें, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है बहुत ज्यादा, तो आपको थोड़ा इसमें लगता है कि ज्यादा ही ये कुछ हिल रहा है आपने। इससे अच्छा है कि आप उसको मैक्सिमम एक मिनट प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप नोटिस करते हैं कि आपके जो भी प फ ब भ म वाले लिप्स वर्ड है वो इजिली यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिप्स आपके चिपकते नहीं है। तो कैसे करना है, तो आप नोटिस करते हैं अब आपके लिप्स थोड़े एक्टिवेट हो गए। इसको आप 10 बार एटलीस्ट ट्राई कीजिए तो यू विल नोटिस वर्ड आते हैं पापा बा मां वाले। ठीक है, ओके ओके ओके।